बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद हो गए हैं शिफ्ट, जैसे कि मैंने अभी कहा था फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले वापस अब ये सभी विधायक लौटेंगे। तेलंगाना में की गई है विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है और 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। कांग्रेस को डर है कि विधायकों में टूट ना हो जाए, खरीद फरोख्त ना की जाए और इसीलिए अपने विधायकों को भेज चुकी है हैदराबाद। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारी मर्जी, हम अपने विधायकों को वहां भेजो और ये भी कहा कि नई सरकार बनी और इसीलिए वहां पर गए हैं। सीएम से मुलाकात करेंगे, हमारा अपना प्रोग्राम है। अब देखिए, हम लोग तो कोई पोचिंग उचिंग नहीं कर रहे, न संख्या की कोई कमी। अब क्या है कि कांग्रेस में पूरे देश भर में जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको अपना राजनीतिक भविष्य और अस्तित्व खतरे में लग रहा है अपने नेतृत्व के चलते। तो दुर्भाग्य है इतनी बड़ी पार्टी का कि मतलब उसको विश्वास नहीं है। वहीं पे वामपंथी विधायक जो हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक कहीं नहीं आने वाले, आइडियोलॉजी का कमिटमेंट है उन्हीं के साथ है। तो देखिए क्या विरोधाभास है पूरे स्थिति में। कांग्रेस परिवारवाद, वंशवादी और जमींदारी मानसिकता के लोग हैं। जनता के जनादेश प्राप्त किए हुए विधायक पर विश्वास करना चाहिए। लोकतंत्र में उनको विश्वास है तो जनता को, ये विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके यहाँ से वहाँ ले जाके घुमाते रहना भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर नहीं है। और विधायक पर जब विश्वास नहीं है तो इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। हैदराबाद जाना पड़ा, यही अपने आप में शंका है। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, बिहार के लोग भी गए थे? हाँ, सुना है, हैदराबाद ही चल रहा है मामला। लगता है स्थिति कंट्रोल में नहीं है कांग्रेस पार्टी की भी। देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती है। तोड़ फोड़ की राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। हमारा ऑलरेडी पहले से बहुमत है, सिद्ध कर देंगे। उनको खुद ही डर है कि उनका सब भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा? अब पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। काहे के लिए ले गए? हैदराबाद ले जाने का क्या कारण है, पूछिए उनसे। जेएमएम में सब कुछ ठीक तो नहीं है, और जिस तरह से आखिरी दौर में कल्पना सोरेन को लेकर एक गहरा असंतोष पार्टी में देखा गया, उससे यह सफर बहुत आसान नहीं दिखता है।